कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो हुआ था आपके पास जो आईपी एड्रेस हैं उनकी कितनी क्लासेस होती हैं, एबीसी डी, और उनकी रेंजेस क्या होती हैं, डिफ़ॉल्ट मास्क क्या होता है, और कैसे नेटवर्क आईडी को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है उसके आगे डालें नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क आईडीज। नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क आईडीज इन क्लास ए। यानी कल आपने निकाला था कि नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आज भी पता करने जा रहे हैं जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं ए बी सी डी ई। तो ए बी सी नेटवर्क में यूज़ होती हैं, क्लास ए के अंदर कितने वैलिड आईपी एड्रेस होते हैं और कितनी एनआईडीज एग्जिस्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन के अंदर क्लास ए की जो यूजेबल रेंज है दैट इज 1 to 126। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट किस में आएंगे, 0 से लेकर 255। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 आते हैं। स्टेप नंबर टू के अंदर जो क्लास ए का मास्क है दैट इज 255.0.0.0। यहाँ पर जो 255 है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नेटवर्क के हिस्से को। और यानी इसके रेस्पेक्ट में फिर ये वाला जो ऑक्टेट होगा 1 से लेके 126 तक, 1 to 126, ये नेटवर्क के हिस्से में आता है। और ये जो तीन आपके पास हैं, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी होस्ट को, ये भी होस्ट को। यानी ये इस वाले ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये इस वाले ऑक्टेट को, और ये लास्ट वाले ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप नंबर थ्री, नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर नेटवर्क आईडी। यानी एक नेटवर्क आईडी के अंदर जो आपने कल फाइंड आउट की थी हर एक क्लास की, एक एनआईडी के अंदर कितने वैलिड आईपी होंगे, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 2। याद रहे माइनस 2 पावर में नहीं है, बेस के अंदर है। n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, होस्ट की कितनी बिट्स हैं, और इस 2 का मतलब है 1 नेटवर्क आईडी जो आपने निकाला था एंड 1 बीआईडी, एक एनआईडी और एक बीआईडी। तो आप मुझे बताएं कि यहां पर एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 24, क्योंकि यहां पर भी 80, यहां पर भी 80, यहां पर भी 80, तो 2 की पावर 24 माइनस 2, इतने वैलिड आईपी एड्रेस क्लास ए की एक नेटवर्क में आते हैं। स्टेप नंबर फोर, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, नेटवर्क आईडीज कितनी होंगी टोटल, ये होती हैं 126। कैसे, हमारे पास नेटवर्क का पोर्शन कौन सा है, ये वाला। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं फॉर एग्जांपल 1.0.0.0, इट्स आईपी एड्रेस और नेटवर्क आईडी 2.0.0.0, अगेन इट्स ए नेटवर्क आईडी। इसी तरीके से 3.0.0. इट्स ए नेटवर्क आईडी। इसी तरीके से 126.0.0.0। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी बनी, 126 एनआईडी बनी, दैट्स वाई 126 आ गया।
स्टेप नंबर 5, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए, क्लास ए में टोटल वैलिड आईपी कितने लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 126 इंटू 2 की पावर 24 माइनस 2, इतने वैलिड आईपी एड्रेस क्लास ए के अंदर टोटल लाई करते हैं। जो रेस्ट ऑफ दी कैंडिडेट को फोन करो, आ जाने को ठीक है, अगले हफ्ते फिर मैं बस वहीं से अपना टाइम लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालें, ये हमने निकाला किसके अंदर, क्लास ए के अंदर। यहाँ किसी को दिक्कत है समझने में, कोई ऐसा पॉइंट जो अंडरस्टैंड ना हो रहा उसके अंदर, कोई पॉइंट जो किसी को समझ ना आया हो यहाँ पर, चला जाएगा। नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क आईडीज इन क्लास बी, जिस तरह से क्लास ए में निकाला था, क्लास बी में कितने होंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्लास बी का रेंज क्या है डिफॉल्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट रेंज ऑफ क्लास बी। हाँ जी, 128 से लेकर 191, 0 to 255, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। स्टेप नंबर 2 के अंदर इसका डिफॉल्ट मास्क लिखा जाएगा 255, क्योंकि 16 बिट्स नेटवर्क की यहाँ पर होती हैं। तो जहाँ जहाँ पर 255 है, दैट बिलोंग्स टू नेटवर्क, यानी इसके अकॉर्डिंग ये अपर जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क से बिलोंग करेगा। और जहाँ जहाँ पर 0 है, ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर एनआईडी कितना होगा जी, हाउ मच, 2 की पावर 16, क्योंकि यहां पे एन की वैल्यू कितनी है, 16 है, 2 की पावर 16 माइनस 2। स्टेप 4, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कितनी होंगी जी, ये यहां पर होंगी 64 into 256। कैसे, एक सौ अट्ठाईस से अगर हम 191 तक अगर काउंटिंग करें, कितना आएगा, 64 आएगा कॉम्बिनेशन, और यहां पर कितना आएगा, 256। तो अब ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है कि एक ब्रैकेट के अंदर ए है, बीच में डॉट है, दूसरी ब्रैकेट में बी है, तो इसका आंसर ए प्लस बी होना चाहिए या ए इंटू बी होना चाहिए, विच वन इज राइट, ए इंटू बी। तो मैथमेटिकल रूल है, दैट्स वाई ए इंटू बी आ गया। स्टेप नंबर 5 के अंदर टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी, ये कितना हो जाएगा, 64 into 256, और इनकी मल्टीप्लिकेशन किससे, नंबर ऑफ होस्ट से, 2 का पावर 16 माइनस 2, इतने आईपी एड्रेस टोटल आते हैं क्लास बी के अंदर।
128 से काउंट करना शुरू करो खड़े होके 191 तक गोलियों पे 64 आ जाएगा, और फिर 0 से लेके 255 तक काउंट करो 256 आ जाएगा। फिर ये मैथमेटिक्स का फार्मूला जो मैंने डिस्कवर नहीं किया था, मैं भी उसी के ऊपर डिपेंड हूँ जिसने डिस्कवर किया था, और उसका आंसर आप ही लोगों ने बताया कि 2 वाला सही होगा, मैंने इसलिए 2 वाला लिख दिया। और कोई क्वेश्चन? जिस तरीके से हमने ए का निकाला है और बी का निकाला है, सी का ट्राई योरसेल्फ। सी में कितने नेटवर्क आईडी आएंगे, कितने भी आईडी आएंगे, सी का खुद ट्राई करें। जैसे ए और बी निकाला है सेम पैटर्न पे क्लास सी का निकाल, वैसे बोर्ड पे मैं भी लिख रहा हूं बट बोर्ड पे ना दे गए हैं। जी क्या निकाला, नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर एन आईडी कितने आए, 2 की पावर 8 माइनस 2 राइट, और नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कितना आया, गलत है 30, ये भी गलत है, यस 32 × 256 × 256 दो बार नेटवर्क का अपडेट है। टोटल वैलिड आईपी हो गए इन क्लास सी के अंदर कितना हो गया, 32 × 256 × 256 × 2 की पावर 8 − 2। यहाँ तक किसी को बोला कल से लेके आज तक, सर जब हमने क्लास ए का निकाला था तो उसमें फर्स्ट मतलब 0 और 127 छोड़ा था, हाँ जी 0 कल बताया जा चुका है, 0 नल है, नॉट इन यूज है, 127 इज 0 बैक एड्रेस। तो सर बी और सी में, बी और सी में नहीं है, सिर्फ एक है जी। और कोई क्वेश्चन? नंबर ऑफ एनआईडी जाते हैं नंबर 256 लेके आता हूं भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पहला ऑक्टेट नेटवर्क का है 32 कॉम्बिनेशन यहाँ बनते हैं, दूसरा ऑक्टेट 255 से पता लगता है ये भी नेटवर्क का है, यहाँ 256 बनते हैं, तीसरे ऑक्टेट के अंदर ही मैं मजबूर हूँ कुछ नहीं कर सकता, मैं वही लिख रहा हूँ जो मास बता रहा है मेरे को, मास किस 255 ना, जहाँ तक 255 है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द नेटवर्क, ये तो कल पढ़ चुके हैं, क्लास सी के अंदर 24 बिट नेटवर्क के होते हैं, ये वाला ऑक्टेट इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको करता है, इसको करता है,
अब ये ए गुणा बी गुणा सी हो गया, कुछ नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स हो गया। आगे मूव किया जाए। यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये बेसिक क्लास थी, अब शुरू होगी डिजाइनिंग, जितना हमने पढ़ा है। आगे चला जाए, सबका नोट हो गया ना। अभी तक सीरियसली आपने चाहे ना पढ़ाओ, लेकिन आप ज़रूर सीरियसली पढ़ें, और अभी लिखना बंद कर दें, जब मैं कहूँ लिखें तब शुरू करें, क्योंकि अभी हम डिज़ाइनिंग शुरू करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। Of network scenario before IP saving techniques. IP saving techniques के अंदर बहुत सारे नाम्स आपको लिखवाए गए हैं, subnetting, VLSM, net, PET, private IP address और unnumbered, जो contents में लिखवाए गए थे। ये हम डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं, अभी कोई टेक्निक सी वर्ल्ड्स में नहीं आई है, और ये डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बिफोर मिड ऑफ 1985, बिफोर मिड ऑफ 1985। ये हम क्यों कर रहे हैं यहाँ से, ताकि आपको आईपी सेविंग टेक्निक्स का फ़ायदा मालूम हो सके। अगर किसी चीज़ के पहले से नुकसान पता हो, ये नुकसान थे, ये ड्रॉबैक थे, अब दूसरी चीज़ अगर लेकर आते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, तभी समझ में आएगा, उससे पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पाएगी। यहाँ पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे दो ऑफिस हैं, एक ऑफिस है हमारा दिल्ली में और एक ऑफिस है बॉम्बे के अंदर। दिल्ली के ऑफिस में एक राउटर लगा हुआ है, ये दिल्ली का ऑफिस है, और ये राउटर कनेक्टेड है वाया लीज लाइन के थ्रू। ये सिंबल लीज लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या वैन कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा ऑफिस हमारा जो कनेक्टेड है वो है बॉम्बे के अंदर, यहाँ पर इस राउटर का पोर्ट होगा। ये पोर्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, एस स्टैंड फॉर सीरियल है, S1 या S2, जैसे विंडो 1, विंडो 2, गेट 1, गेट 2, इस तरह से। दिल्ली का जो राउटर है उसका जो लैन है ये रिप्रेजेंट करती है लाइन लैन को। इस लैन के अंदर मल्टीपल मशीन्स आपके पास अटैच्ड हैं, ऐसे ही बॉम्बे का भी लैन है, उसके अंदर भी मल्टीपल मशीन यहाँ पे अटैच्ड हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स ये है कि दिल्ली का जो लैन है ये वाला और ये बॉम्बे का जो लैन है, इनको आपस में हमने कम्युनिकेट कराना है। एक ऑफिस हमारा दिल्ली में, एक बॉम्बे के अंदर, इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराना है। तो राउटर का जिस तरह से ये सीरियल पोर्ट है जो कि वैन से कनेक्टेड होगा, इसी तरीके से राउटर का ईथरनेट, या लेट से राउटर का फास्ट ईथरनेट कनेक्टेड होगा हमारे किससे, स्विच से कनेक्टेड होगा लैन से। तो अगर हम मान के चलें कि दिल्ली के लैन में, यानी इतने पोर्शन में जितना हमने यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, इसके अंदर हमें टोटल जो आई पी एड्रेस चाहिए वो चाहिए कितने, 50 आई पीस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, यानी हमें कितने चाहिए, 50 आई पी चाहिए। बॉम्बे का जो लैन है उसके अंदर जो हमें टोटल आईपी एड्रेस चाहिए वो आईपी एड्रेस चाहिए लेट से 25 आईपीस, 25 आईपी चाहिए यहाँ पे। और जो दिल्ली और बॉम्बे का जो वैन है, यानी सीरियल टू सीरियल, यहाँ पे एक आईपी यहाँ चाहिए और एक आईपी यहाँ चाहिए, 2 आईपीस यहाँ चाहिए। तो हमारा टास्क ये है कि दिल्ली के अंदर जो 50 यूज़र्स हैं, 50 आईपीज़ हैं, बॉम्बे के अंदर 25 आईपीज़ लग रहे हैं लैन में, और लैन दिल्ली के और बॉम्बे के बीच में जो वैन कनेक्टेड है वहाँ पे 2 आईपी एड्रेस चाहिए। तो टोटल आईपी एड्रेस हमें कितने चाहिए अभी, तो 50 + 25 + 2, यानी हमारी टोटल जो रिक्वायरमेंट है कितनी है, 77 रिक्वायरमेंट है। तो सिनेरियो ये है कि एक ऑफिस दिल्ली में, एक बॉम्बे में, दोनों वैन कनेक्टिविटी के थ्रू अटैच्ड हैं, तो 2 आईपी एड्रेस कहाँ पे चाहिए, दिल्ली और बॉम्बे के
यहाँ पे चाहिए। डायग्राम को अच्छे तरीके से समझें और ये अपनी लैंग्वेज में उसको कोट करें कि ये दो आपके पास ऑफिस हो गए दिल्ली बॉम्बे के, बीच में वैन कनेक्टिविटी है, एक आईपी यहाँ चाहिए, एक आईपी यहाँ चाहिए, दैट्स व्हाई वी नीड टू आईपी एड्रेस। दिल्ली का जो लाइन है यहाँ पे मल्टीपल मशीन्स हैं और आउटर का इथरनेट भी है। हमने बताया था कल कि होस्ट कैन बी एनी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द आईपी एड्रेस, तो आउटर इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द आईपी एड्रेस। तो जो भी आईपी एड्रेस आप इसका रखेंगे या इसका रखेंगे उनकी एनआईडी सेम होनी चाहिए। अब ये जितने भी सी हैं उनकी एनआईडी अगर सेम होगी तभी दे कैन कम्युनिकेट। अगर ये बात करना चाहते हैं लेट से इससे, तो ये तो लैंड में नहीं है, वैन में दूसरे साइड के अंदर है, तो ये किससे बात करेंगे? अपने इस राउटर से। राउटर से अगर बात करना चाहते हैं इस वाले पोर्ट से, तो व्हाट विल हैपन, इसकी भी एनआईडी सेम होनी चाहिए। यानी इतनी जोन में जो स्काई ब्लू से किया गया 50 आईपी चाहिए, जो येलो कलर से राउंड किया गया है आपके पास उसमें 25 आईपी चाहिए। टोटल आईपी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 77। इतना नोट कर स्केच हो गया भाई सबका। दोबारा एक बार फिर डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें। हमारा टास्क ये है कि एक राउटर दिल्ली के अंदर है, एक बॉम्बे के अंदर है, इन दोनों के बीच में ये वैन की कनेक्टिविटी है। दिल्ली का जो रूटर है उसके लैन में यानी इस वाले पोर्शन में वी नीड 50 आईपी एड्रेस, बॉम्बे के लैन में 25 आईपी की जरूरत है। टोटल रिक्वायरमेंट्स कितनी हो गई? 77। नाउ अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बिफोर मिड ऑफ 1985, 1985 के आधे साल से पहले की बात की जा रही है, जब वर्ल्ड में कोई आईपी सेविंग टेक्निक्स नहीं आई है। हमें जो रिक्वायरमेंट्स है 50 आईपी की और इसकी 52 की, टोटल मिला के 77 हो गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टडी ये किया कि क्लास ए के अंदर कितने आईपी एड्रेस आते हैं एक एनआईडी में? 2 की पावर 24 माइनस 2। क्लास बी में आपने पढ़ा 16 माइनस 2 आते हैं, क्लास सी में आपने पढ़ा 8 माइनस 2 आते हैं। इस डिजाइनिंग को करने के लिए हमें ये याद होनी चाहिए कि कौन सी क्लास में कितने आईपी एड्रेस आ रहे हैं एक एनआईडी के अंदर। अब थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को आसान करने के लिए फॉरगेट द आईपी एड्रेस फ्रॉम, ऐसे मान लें कि एक आईपी एड्रेस बराबर है एक मीटर स्पेस के, एक आईपी बराबर है एक मीटर स्पेस के।
तो हमें टोटल चाहिए 77 मीटर जगह। और जब हम बिफोर मिड ऑफ 1985 बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमारे पास जो प्लॉट्स अवेलेबल्स हैं वो ए कैटेगरी का प्लॉट है, एक कैटेगरी बी का प्लॉट है, एक कैटेगरी सी का प्लॉट है। अगर हम कैटेगरी ए का प्लॉट खरीदते हैं तो उसके अंदर 2^24 - 2 मीटर जगह हमें मिलती है। बी अगर ख़रीदते हैं तो 2^16 - 2 मीटर मिलती है, और सी अगर ख़रीदते हैं तो 2^8 - 2 मीटर जगह मिलती है। बिफोर मिड ऑफ 1985 ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि जितने जितनी जगह कस्टमर को चाहिए उतनी जगह उसको दे दी जाए। रूल ये है कि या तो पूरा ही प्लॉट बेचा जाएगा या पूरा ही प्लॉट ख़रीदा जाएगा। यानी नंबर ऑफ साइज के प्लॉट्स हैं 2^24 - 2, 16 - 2, 8 - 2, ऐसी टेक्निक्स नहीं आई है या ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया गया बिल्डर्स के बीच में ग्रुपिंग में कि भाई जो जगह बेची जाएगी खरीदी जाएगी, किसी को 2 मीटर चाहिए 2 दे दी जाए, किसी को 5 मीटर 10 मीटर, ऐसा कोई रूल नहीं है। फिक्स्ड रूल है, लेना है तो लें, ना लेना है तो ना लें। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमें 77 मीटर जगह चाहिए और हम बिफोर मिड ऑफ 1985 के फेज में अगर एग्जिस्ट करते और डिजाइनिंग करते तो हमें कौन सा प्लॉट खरीदना बेटर है? रीजन, व्हाट इज द रीजन? आंसर इज करेक्ट, व्हाट इज द रीजन? सस्ता पड़ेगा। दूसरा आंसर, दूसरा टास्क, आईपी वेस्टेज होगी लेकिन कम होगी, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसे मान के चल रहे हैं जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो यही हैं, अगर आपने ऐसा प्लॉट खरीद लिया लेट्स सी 2^24 - 2 तो आपके कब्जे में आ चुका है, बाकी लोग बाहर खड़े हुए उनको जगह ही नहीं मिल रही बेचारों को। तो हमें देखना ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बेकार ना जाए, कम से कम बेकार हो। तो यहाँ पर हमारे लिए फिजिबल ये था कि हम क्लास सी का प्लॉट खरीद लें, कैटेगरी का। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 199/10.20/24 ये हमने एक प्लॉट खरीद लिया 199/10.20/24। इसके अंदर कितने वैलिड आईपी एड्रेस हैं? 199/10.20/1-.254 तक। यानी जो प्लॉट हमने खरीदा है उसके लिए उसमें यूजेबल जगह कितनी है? 254 मीटर। और हमें यूजेबल कितनी चाहिए? 77 मीटर। यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स खरीदे हुए प्लॉट्स में पूरी होती नज़र आती है, लग रहा है कि पूरी हो जाएगी नाउ। तो हमने प्लानिंग की, परचेजिंग भी कर ली, लेट्स से हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारी डिज़ाइनिंग ये रही, 50 यहाँ रखेंगे या रखेंगे, लेट्स से हम क्या करते हैं कि इस वाले पीसी के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया 199/10.20/1/24 और लेट्स से ये 49 यानी 1 से लेके 49 पीसी लगा हुए हैं, तो तकरीबन हमने 49 आईपी एड्रेस यहाँ यूज़ कर लिया। लेट्स से हम क्या करें, इस राउटर के ईथरनेट के ऊपर भी हमने आईपी एड्रेस अप्लाई कर दिया, कितना? .50/24 .50 यानी इसका .50 यानी 199/10.20.50 इस पे अप्लाई कर दिया। अब कल हमने बताया था कि वेन एवर यू विल अप्लाई दी आईपी एड्रेस ऑन दी मशीन, आप चाहें आईपी एड्रेस के बाद मास्क लिखें ना लिखें वो खुद ले लेती है, अगर आपने घर जाकर टेस्ट कर लिया वो खुद ले लेती है। इसका मतलब ये जो मशीनें हैं 49 जो मशीनें हैं इन सब ने अपनी एनआईडी क्या कैलकुलेट की? 199/10.20.0 सबकी एनआईडी आई होगी, और चूंकि राउटर भी एक होस्ट है वो भी अपनी एनआईडी कैलकुलेट करेगा। तो जब हम राउटर पे आएंगे तो राउटर पे आप एक कमांड चला के देखना, वहां पर राउटर पे अगर हम कमांड चलाएंगे दैट इज द प्रिविलेज मोड ऑफ द राउटर हैश, यहाँ पे कमांड चलाएंगे शो आईपी राउट। तो जिस तरह से ये पीसी अपनी एनआईडी यहाँ डिस्प्ले करता है इस तरह से राउटर भी अपनी एनआईडी डिस्प्ले करेगा क्या? यहाँ लिखा होगा सी, लेफ्ट में सी का मतलब कनेक्टेड, और यहाँ लिखा होगा 199/10.20.0/24 और लिखा होगा इसी के आगे डायरेक्टली कनेक्टेड किससे? E0 से। यानी इस राउटर के ऊपर जब हमने आईपी एड्रेस डाला तो इस राउटर ने इस चीज को अपनी राउटिंग टेबल में रजिस्टर्ड कर लिया कि मेरे इस इंटरफेस के ऊपर इस नाम की एनआईडी पड़ी हुई है। नाउ हमारे 50 आईपी एड्रेस यूज हो गए, अब हम क्या करते हैं
कि इस वाले इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डालते हैं। हमने इस आईपी इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डाला 199.10.20.51/24। तो राउटर क्या करेगा, इस वाले इंटरफेस की वैन आईडी क्या कैलकुलेट करेगा, सेम 199.10.20.0। नाउ जैसे ही आप ये एड्रेस डालेंगे, राउटर एक वार्निंग मैसेज आपको देगा। ये राउटर वार्निंग मैसेज देगा एन आई डी ऑफ सीरियल जीरो ओवरलैप विद ई जीरो। चूंकि राउटर को जो आपने डिजाइनिंग किया था तो रूल बनाया था आपने डिफरेंट एन आई डी पर पोर्ट। भाई आपने पढ़ा है राउटर काम होता है डिफरेंट एन आई डी कम्युनिकेट करना। इफ यू आर अप्लाइंग दी सेम आई पी एड्रेस, इस पे भी सेम आई पी अप्लाई करते हैं, इस पे भी सेम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ की एन आई डी भी सेम हो गई, यहाँ की एन आई डी सेम हो गई, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द राउटर? कोई फायदा ही नहीं है। बैटरी इज नॉट यहाँ से चला गया, क्या फायदा है? डिजाइन करने का फायदा कुछ नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब हम जो सोच रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट इस एन आई डी में पूरी हो सकती है जो कि नजर आ रहा था, बट जब इम्प्लीमेंटेशन करने बैठे तो कुछ और रिजल्ट नजर आ गया। तो आवर रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन ए सिंगल एन आई डी ऑफ क्लास सी, इतना लिखें और जो डायग्राम मॉडिफिकेशन किया हो तो उसके बाद आगे चलते। किसी भी कुछ समझना है हो तो पूछ सकते। एक बार और समझ लेते हैं, यहां पर जो रिक्वायरमेंट 77 थी हमारे पास, इसको पूरा करने के लिए वी आर परचेजिंग दी 199.10.20.0/24। ये हम परचेज कर रहे हैं, इसके अंदर डॉट 1 से लेके डॉट 254 तक वाले आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं। हमने यहां पे 199.10.20.1/24 इंप्लीमेंट किया और यहां तक 49/24 जितने ही पीसीज थे उन्होंने 199.10.20.0 एनआईडी कैलकुलेट की एंड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर बिकॉज इनकी एनआईडी सेम है। इस तरह राउटर की ईथरनेट पे हमने .50/24 लिखा। राउटर अपनी एन आई डी यानी शो आई पी राउट में डिस्प्ले करेगा 199.10.20.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईथरनेट जीरो। जब हम सीरियल के ऊपर राउटर के ऊपर 199.10.20.51/24 अप्लाई करेंगे तो राउटर की एन आई डी फिर यह कैलकुलेट हो जाएगी। राउटर वार्निंग मैसेज देगा कि एन आई डी ऑफ सीरियल जीरो ओवरलैप विद ईथरनेट जीरो, बिकॉज राउटर का कॉन्सेप्ट ये डिफरेंट एन आई डी पर पोर्ट इस कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। तो हमारा जो टास्क था वो एक एन आई डी के अंदर अचीव नहीं हो सकता बिफोर मिड ऑफ 1985। अपनी लैंग्वेज में नोट करें और डायग्राम को स्केच करें। राउटर पे तो एक्सेस तो दे रहे हैं, इजी को दे रहे हैं।
50 के क्या होंगे, तो हाइब्रिड तो वही आएगी, कहीं आएगी कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ दिस वन ये हटा दे दूसरा डालेंगे तब भी तो एक ही काउंट होगा, दो कैसे काउंट हो जाए, 79 कैसे आ गए, आगे चले जाए, लिखो भाई जल्दी फास्ट करो स्पीड, यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी, किसी को यहाँ तक समझ ना आया हो तो पता करें, बाद में आप कहेंगे पुराना समझ नहीं आया, राउटर के जितने भी इंटरफेस होंगे हर एक के ऊपर डिफरेंट एनआईडी होना चाहिए पर पोर्ट, हर एक पोर्ट के ऊपर, नोट हो गया, इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स एक एनआईडी में पूरी नहीं हो सकती है, इसका मतलब हमें 3 एनआईडी परचेज करनी पड़ेंगे, अगली स्लाइड्स पर देखते हैं। यहां पर हमें चाहिए 2IP, यहां पर 50 और यहां पर 25 IPS है, तो यहां पर टोटल जो रिक्वायरमेंट्स बनी हमारे पास 77 बनी और एक नेटवर्क में फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को कि इतने पोर्शन की NID क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेट्स से 199.10.20.0/24, तो यहां पे सिर्फ 50 IP का तो इस्तेमाल हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, वेस्टेज पड़ा हुआ, मजबूरी है कुछ नहीं कर सकते हम, ये बिफोर मिड ऑफ 1985 हो रहा है, नॉट आज की डेट में, यहां पर 25 IP चाहिए, यहां पे लेट से दूसरी NID लेनी पड़ी हमें 212.1.2.0/24, यहां 25 IP हो रहे हैं बाकी वेस्टेज पड़े हुए हैं, उसका कोई यूज नहीं है, और यहां पर चाहिए कितने 2 IP एड्रेस, बट यहां पर हमने लेट से ये NID ली, यहां पर 2 यूज हो रहे हैं बाकी बेकार पड़े हुए हैं, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट लेस देन 1 NID है एक्चुअल में, क्योंकि 254 टोटल है आपकी, लेस देन 1 NID है, बट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमें इस लॉस में जाना पड़ता है, तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं 3 class C के NID, क्या ड्रॉबैक हो रहा है, 2 ड्रॉबैक हो रहे हैं, एक ड्रॉबैक हो रहा है IP एड्रेस अननेसेसरी वेस्टेज हो रहे हैं, दूसरा आपका पैसा, आपने तो 70 कायदे में तो अगर हम देखा जाए तो 77 का पेमेंट करना था, आप 254 का पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, फिर आप क्लास सी की 3 NID ले रहे हैं, तो IP एड्रेस भी अननेसेसरी आपके पास पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही 50 PC का है यहाँ पे, 25 PC का है 2 का, और आपका पैसा ही बेकार जा रहा है, इस डायग्राम को नोट करिए। अब हम इनको बचाने की कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी ला लाएंगे, पहले हम सब नेटिंग लेके आएंगे, फिर VLSM, फिर नेट बट लेके आएंगे, तो 1985 में दैट वॉज द रियल सिनेरियो, ऐसे बनते थे। जो वर्जन 6 आज की डेट में आया, जो हमने कल डिस्कशन किया था कि वर्जन 4 एग्जॉस्ट हो गया, आपको नजर आना शुरू हो गया वो कैसे कैसे एग्जॉस्ट हुआ, 1981 से लेके यानी
1981 से लेकर बिफोर मिड ऑफ 1985 ऐसा आईपी एड्रेस एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एग्जॉस्ट हो रहे हैं मतलब आप आईना से परचेज कर रहे हैं आईपी को, वो आईपी कस्टमर के पास चले गए, कस्टमर की मर्जी वापस करे कि ना करे, चूंकि खरीदा है ना उसने। तो ऐसे ही आपने सीएससी का नाम सुना होगा, सीएससी का नाम सुने, सीएससी जो सेक्टर 62 के अंदर है, इसके पास जो रेंज है वो है 20.0.0.0/8। इसने खरीद के रख लिया उस टाइम पर स्टार्टिंग के अंदर, अब वापस तो हो नहीं सकता क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन है कि अगर आपने वो खरीद रखा है तो आपका हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में ले लिए, चाहे उनकी ज़रूरत थी, कुछ ने तो मजबूरी में लिए, उनको पता ही नहीं था, कुछ ने इस पर्पज से ले लिए कि आगे हमें फ्यूचर में काम देंगे, रिक्वायरमेंट्स तो कम है, बोल दो जाता है, क्योंकि उस टाइम तो दिए जा रहे थे ना, क्योंकि आईपीएडएस का एक प्रोडक्ट है लॉजिकल, जिसको बेचा जा रहा है, जिसको बनाने में कुछ पैसे खर्च हुए होंगे। कल एक टर्म था जो डिस्कशन नहीं किया गया था, वो ये था कि आईपी एड्रेस एग्जॉस्ट होने का क्या मतलब है। अभी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये नोट हो गया डायग्राम, यानी रिक्वायरमेंट हमारी लेस देन वन है, बट वी आर यूजिंग क्लास सी के 3 NID, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ आईपी। चले आगे, हमने कल बताया था कि जो आईपी एड्रेस आपको मिलते हैं उसकी जो मेन कंट्रोलिंग है वो है IANA, आईना के थ्रू, जो कि अमेरिका के अंदर है, यानी आईपी वर्जन 4 के जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो कंट्रोल किसके थ्रू किए जाते हैं, आईना के थ्रू। आईना डायरेक्टली आईपी एड्रेस नहीं बेचती है, इसके सिस्टर पार्टनर्स हैं या ब्रांचेज हैं, APNIC इनकी फुल फॉर्म नेट से देख लीजिएगा, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ARIN LICNIC, एरिन एपनिक, और यहां पर आपका एयरटेल जो कनेक्टेड है हमारी इंडिया का, वो कनेक्टेड है किससे, एपनिक से। अपना जो VSNL कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है किससे, एपनिक से, और यहाँ से हम कनेक्टेड हैं कस्टमर वन। तो 4.3 बिलियन जो आईपी एड्रेस हैं वो किसके पास है, यानी ऐसे मान के चलने 4.3 बिलियन मीटर जगह आईना के पास है, उसने कुछ जगह बेचने की जिम्मेदारी एपनिक को सौंप दी, कुछ की जिम्मेदारी एरिन को, कुछ की जिम्मेदारी LICNIC को। अब जो जगह एपनिक के पास है उसने उसमें से कुछ जगह एयरटेल को बेच दी, कुछ जगह VSNL को बेची, जो एयरटेल को बेची वो VSNL को नहीं बेचेगा, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ने एयरटेल ने जो अपने कस्टमर वन को जो आईपी दिया वो कस्टमर टू को नहीं देगा, और जो VSNL का कस्टमर वन है उसका आईपी एड्रेस एयरटेल कस्टमर वन जैसा नहीं होगा। तो हर एक की एक यूनिकनेस बनती चली जा रही है, ये हायरार्किकल वे हो गया, इस तरह से आपको एलोकेट हो रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि IPv4 एग्जॉस्ट हो चुका है, क्या मतलब है। अगर हम ऐसा करें कि आप लोगों में से कल कोई अगर एयरटेल को फ़ोन करे, यानी आप क्या हो, न्यू कस्टमर हो, न्यू क्लाइंट हो, और अगर आप ये कहो मुझे इंटरनेट लगवाना है, तो क्या एयरटेल वाले नहीं आएंगे, दौड़ के गल आ जाएंगे। तो अगर नया क्लाइंट अगर आना चाहता है आज की डेट में, तो उसको आईपी वर्जन 4 एड्रेस मिल जाएगा, बिकॉज जितनी जगह आयना के पास थी वो एपनिक, एरिन, लिकनिक और इसी तरह की और भी ऑफिस उनको दे चुका, और एपनिक ने सारी जगह एयरटेल को, VSNL को और बाकी ISP को दे दी। अब एपनिक के पास जगह बाकी नहीं रही है, अगर आप एपनिक से रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे जगह चाहिए तो नहीं मिल सकती, जगह किसके पास है, एयरटेल के पास है।
हाँ, अब अगर आज की डेट में कोई नया आईएसपी आना चाहता है, न्यू सर्विस प्रोवाइडर आना चाहता है, और वो कॉन्टेक्ट करता है किसको, एपनिक को, कि मुझे IPv4 का स्पेस चाहिए, तो एपनिक उसको आंसर देगा कि IPv4 जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका, आई डोंट हैव द स्पेस ऑफ द IPv4, यानी नया ISP लॉन्च नहीं हो सकता वर्जन 4 पे, क्लाइंट हो सकता है, क्योंकि जगह इसके पास तो है ना। अगर मेरे पास जगह थी, मैंने आपको भेज दी, आपने किसी को भेज दी, किसी के पास तो जगह मौजूद है ना, उससे तो मिल सकती है, बट आप डायरेक्टली उससे डीलिंग करो जो जगह बेचता था पहले, उसके पास जगह खत्म हो चुकी है, तो नया आपके पास ISP लॉन्च नहीं हो सकता वर्जन 4 के ऊपर, क्लाइंट लॉन्च हो सकता है। मैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था वापस उसी पे आ जाए, इसको नोट करने के बाद, ये कल वाला पॉइंट था जो रह गया था डिस्कशन से। ये डायग्राम स्केच हो गया, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था अभी वो चल रहा था कि यहाँ पर एक NID में फुलफिलमेंट नहीं हो सकता, दैट्स वाई वी आर परचेजिंग दी क्लास सी की, 3 NID परचेज कर रहे हैं, बट वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है, वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस हो रहा है। उसके बाद अब वो टॉपिक शुरू करेंगे हम कि IP एड्रेस जो वेस्टेज हुए हैं, जो बेकार पड़े हैं, उनको कैसे बचाया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है IP सेविंग टेक्निक्स, और IP सेविंग टेक्निक्स के अंदर पहली टेक्निक्स क्या है, सबनेटिंग। पहली जो IP सेविंग टेक्निक्स है वो है सबनेटिंग। क्या मतलब इसका नोट करें, इट्स ए प्रोसेस थ्रू विच वी कैन डिवाइड क्लास फुल नेटवर्क ID इंटू स्मॉलर नेटवर्क IDs। स्मॉलर NID नोन एज सबनेट आईडी मास्क ऑफ सबनेट आईडी क्या नाम आपका भाई, लेट कैसे हुए, पेमेंट जमा हो गया आपको, जमा करें।
मास्क ऑफ सबनेट आईडी नोन एज सब नेट मास्क। एक चीज अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, जब पीसी में हम आईपी एड्रेस डालते हैं तो आईपी एड्रेस के नीचे एक फील्ड होती है, क्या नाम होता है उसका, सबनेट मास्क। और अभी हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब आप सबनेटिंग करेंगे तो उसका भी एक मास्क आएगा ना। एक लॉजिक लेके चलें, फॉरगेट इट जो वहां लिखा हुआ है, सबका मतलब क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में सबका मतलब क्या होता है? हाँ जी, किसी का पार्ट, किसी का हिस्सा, खंड या टुकड़ा, समुच्चय या उपसमुच्चय, हाँ जी, जो भी आप कहना चाहते हो। तो जब किसी नेटवर्क को डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट बन के आएगा, उस पार्ट का भी एक मास्क होगा, उस मास्क को क्या बोलोगे? तो अगर इसको भी सबनेट मास्क बोलोगे, उसको भी बोलोगे, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट होगा? ये तो कपड़ हो गई ना। तो अगर मास्क सबनेट का आएगा, फिर हम उसको क्या बोलें? सब सबनेट मास्क बोलें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को सही करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो गलतियां वैसे ही रह जाती हैं। जो वहाँ सबनेट मास्क है उसको वहाँ लिखा होना चाहिए था डिफॉल्ट मास्क। अब ऐसा नहीं है कि साहब अगर पिताजी मेरे सही बोलते हैं, पिताजी हैं मेरे तो सही बोलेंगे, इट्स नॉट ए रूल। पिताजी भी गलती कर सकते हैं, पिताजी के पिताजी भी गलती कर सकते हैं। वहां पर क्या होना चाहिए था? डिफॉल्ट मास्क होना चाहिए था। आप हायर एंड की बुक में जाओगे, अब सीसीआई लेवल से पहुंचोगे, तो वहां आपको सबनेट मास्क कीवर्ड ना मिलके मिलेगा नेटवर्क प्रीफिक्स। नेटवर्क की कितनी बिट फिक्स है, प्रीफिक्स या नेटवर्क मास्क, चूंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे भी? तो जब हम सबनेट बनाएंगे तो उस सबनेट का कुछ मास्क होगा, उस सबनेट के मास्क को सबनेट मास्क बोलेंगे। ऐसे ही रूटर के अंदर, जिन लोगों ने, किसी ने रूटर पर काम किया सिस्को में? नहीं। रूटर पर हम काम करेंगे तो रूटर में इंटरफेस मोड आएगा। जब हम इंटरफेस मोड लिखते हैं तो ब्रैकेट में इफ आ जाता है लेफ्ट में, आई एफ स्टैंड फॉर इंटरफेस। बट सीरियल भी इंटरफेस है, उसके लिए भी क्या आता है? आई एफ ही आता है। ईथरनेट इंटरफेस है, उसके लिए भी आई एफ आता है। गिग पोर्ट है, उसके लिए भी आई एफ आता है। तो दुनिया का कोई एक्सपर्ट सिर्फ आई एफ देख के ये नहीं बता सकता कि कौन से मोड के ऊपर है, वो सीरियल का इफ है या आपके पास गिग का इफ है या ईथरनेट का इफ है। क्या ही अच्छा होता कि ईथरनेट के लिए ई आई एफ आया था, ईथरनेट का इंटरफेस, एस आई एफ सीरियल का इंटरफेस, जी आई एफ उसका इंटरफेस। बट इनको अब चेंजेस करने में बहुत सारे चेंज करने पड़ जाएंगे, दैट्स व्हाई वैसे ही चला आ रहा है। ऐसे ही ओएसआई मॉडल आपने पढ़ा होगा, ओएसआई मॉडल की 7 लेयर है। अभी एक कॉन्सेप्ट आया है ओएसआई मॉडल की 8th लेयर का, अगर आप नेट पर डालोगे ओएसआई 8th लेयर। 7 अगर आपने ओएसआई मॉडल को ढंग से पढ़ाया तो 7th लेयर ये कहती है, ये क्या प्रोवाइड करती है? एक अनसीन प्लेटफॉर्म या इंटरफेस किसके बीच में? डिवाइसेस के बीच में और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर उससे इंटरेक्ट हो सके एचटीटीपी के थ्रू, एफटीपी के थ्रू, एसएमटीपी के थ्रू। जिसने 8th लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, 8वीं लेयर का, उसका कहना यह है कि लेट्स से मशीन के अंदर यूजर नेम पासवर्ड पड़ गए, मशीन के अंदर यूजर नेम, चूंकि ध्यान ये रहे कि ओएसआई नॉट ए फिजिकल मॉडल, इट्स ए लॉजिकल मॉडल, मशीन के अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड पड़ा हुए हैं, और आप उस मशीन से लेट्स से पोर्ट नंबर 80 खोलना चाहते हो, 23 खोलना चाहते हो, इंटरेक्ट होना चाहते हो रिमोट मशीन से, तो इंटरेक्ट कब हो गया? जब यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दोगे। तो एंटर करने के बाद यू विल गेट द प्रिविलेज ऑफ विच लेयर? 7 लेयर। तो उसने कॉन्सेप्ट दिया है, ऐसा क्यों नहीं कहें कि 8वीं लेयर का नाम हो यूजर एक्सेस लेयर? तो गलत तो नहीं बोल रहे ना? आप अपनी मशीन पे जब लॉगिन हो जाएंगे ना, तभी तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को या टेलनेट पे जाके एक्सेस करेंगे ना, उससे पहले तो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो उसने कहा अगर पासवर्ड पड़ा हुआ है तो वो कौन सी लेयर पे पड़ रहा है? 7th पे तो आप जाके एक्सेस कर रहे हो, 7th पड़ी नहीं रहा। 7th तो वो है कि आपको रिमोट डिवाइस से इंटरेक्ट होने का मौका देगी, तो ये तो 7th लेयर से पहले आ गया। तो 7th लेयर से पहले जो आ रहा है वो भी तो एक लेयर है ना, उसका भी तो कुछ नाम दो ना। और ये बरसों से चला आ रहा है लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। रीजन
कि अगर इसको चेंज किया जाए तो 1981 से लेके जो नेटवर्क बने, यानी 1994 में वो सही मॉडल आया था, 1984 से लेके आज तक के मॉडल सारे के सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत कुछ बहुत कुछ हो जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले चली आ रही हैं वो चली आ रही हैं, उनको चेंज किया है तो काफ़ी कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी जब सबनेट करेंगे तब सबनेट मास्क होगा, अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट मास्क है। या हम इसको ये कहें कि जो डिफ़ॉल्ट मास्क वो डिफ़ॉल्ट मास्क है, सबनेट मास्क का ये नाम दें कस्टमाइज मास्क, तब भी चलेगा। बट आप उसको भी सबनेट मास्क बोलते हो, उसको भी सबनेट मास्क बोलते हो, तो डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता है। अब सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्लास फुल नेटवर्क आईडी को, यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, यानी 8, 16 और 24 जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है नेटवर्क आईडीज़ का, कल जो हमने नेटवर्क आईडीज़ निकाली थी, यानी क्लास ए की मास्किंग कितनी है 8 बिट, बी की कितनी 16, सी की 24, तो उनके अकॉर्डिंग कल हमने एनआईडीज़ निकाली थी। जो एनआईडीज़ हमने निकाली थी वो क्लास फुल एनआईडीज़ थी। उनको अगर हम ब्रेक कर दें मल्टीपल पार्ट्स के अंदर तो उनके जो नंबर ऑफ जो डिवीज़न आएंगे उनको हम सबनेट्स बोलेंगे। लेमन लैंग्वेज में ऐसे अंडरस्टैंड कर लें, एक बड़ा सा हॉल है, लेमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आपके पास एक हॉल है और इस हॉल को ले लें, दैट इज इक्वल टू 199.10.20.0, ये एक हॉल हो गया। मास्किंग कितनी है 24, इसमें जो जीरो है ये मान लें जीरो हो गया, इसमें जो 255 है उसको मान लें 255 हो गया, इसको मान लें कि ये जो वॉल है वो स्टार्ट वाली वॉल है और ये कौन सी है, ये एंड वॉल है। जैसे एक दीवार ये है, ये स्टार्टिंग हो गई, एक वो हो गई, इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक ये यूजेबल स्पेस है, कहाँ से लेके 1 से लेके 254 तक। तो अगर एक हॉल हो और उस हॉल के को कन्वर्ट किया जाए मल्टीपल रूम्स के अंदर, यानी हॉल को रूम के अंदर नंबर ऑफ रूम्स के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसका नाम क्या है, सबनेटिंग। और जो नंबर ऑफ रूम्स बन के आएंगे वो क्या बनेंगे, सबनेट। और जो भी सबनेट बनेगा वो इनहेरेंट कर लेगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिग हॉल। अगर एक हॉल है चार दीवारी है, उसमें जाने का एक दरवाज़ा भी होगा, जब तक दरवाजे में एंटर नहीं करेंगे हॉल के अंदर नहीं आ सकते। अब अगर एक कमरे हॉल के अंदर 4 या 5 या 8 कमरे बना दिए तो दीवारें आप खड़ी करेंगे, जब दीवारें आप खड़ी करेंगे तो उन कमरों के अंदर जाने के लिए भी गेट लगाएंगे, तो उन कमरों के अंदर भी नहीं जा सकते जब तक कि उस गेट के अंदर एंटर ना करें। तो अगर एक बड़े हॉल को छोटे छोटे रूम में कन्वर्ट किया जाए तो कन्वर्ट करने का प्रोसीजर सबनेटिंग, जो नंबर ऑफ रूम्स बन के आएंगे वो सबनेटिंग। तो अगर हम ये देखें हमारा जो डायग्राम है पीछे, हमने जो नंबर ये लिया था 199.20.0, इसमें कितने मीटर जगह है, 254 मीटर, एक को कितनी चाहिए 50 मीटर, दूसरे को 25, तीसरे को 2 मीटर। अगर हम लेमैन लैंग्वेज के अनुसार इस वाले हिस्से को, यानी हमारे पास टोटल जगह कितनी है, बाय डिफॉल्ट 256 है, एक एनआईडी भी है, बीआईडी भी है, अगर बटा 3 कर दें तो मोर देन 80 मीटर जगह आ जाएगी एक हिस्से में, हमारा काम तो पूरा हो जाएगा ना। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो अगर हम इसको, इस वाले पार्ट्स को वाया 3 कर दें तो मोर देन 80 मीटर स्पेस आपके पास आ जाएगा एक किस्से में, और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं कि बाया 3 कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे 50 के अकॉर्डिंग कर दें, 2 के अकॉर्डिंग कर दें और 25 के अकॉर्डिंग कर दें। रीज़न इज दैट जो सबनेटिंग आई थी, जो सबनेटिंग आई थी ये 1985 के अंदर आई, मिड में या मिड के बाद। तो ये टेक्निक्स वो टेक्निक थी जिसके अंदर हम बड़े कमरे को छोटे कमरों में डिवाइड तो कर सकते हैं, बट कमरे जो बनेंगे उनका साइज इक्वल होगा। आई समझ में बात? जो एक बड़ा स्पेस है उसको छोटे स्पेस में डिवाइड करना चाहते हैं, बट जो स्पेस छोटा छोटा डिवाइड होगा वो इक्वल साइज ही फॉर्म होगा। तो सबनेटिंग के थ्रू हम बना सकते हैं इक्वल साइज के सबनेट।
we can create subnet of, आप यहां लिख सकते हैं सेम मास, जो भी सबनेट बनेंगे उनका मास क्या होगा, सेम होगा सबका, यानी मास्किंग जो होगी सेम होगी सबकी। तो सबनेटिंग के थ्रू ऐसा नहीं हो सकता कि 50 मीटर के लिए अलग ब्लॉक बन जाए और 15 के लिए अलग बन जाए, 2 के लिए अलग बन जाए, यानी जो एक साइज होगा कमरे का वैसे ही सारे साइज के कमरे बनेंगे। तो अब दिक्कत ये है हमारे साथ कि ये जो डायग्राम है, सबसे ज़्यादा स्पेस किसको चाहिए, 50 को। अगर हमने 2-2 मीटर के कमरे बना लिए तो फिर इसके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें ऐसा कमरा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये बड़ा स्पेस आ रहा है, क्योंकि अगर हमने 2 मीटर वाले बनाए तो उसके अंदर ना तो ये आता है ना तो ये आता है, बट इसके अंदर ये भी आ जाता है, इसके अंदर ये भी आ जाता है। तो हमें सबनेटिंग के थ्रू इक्वल साइज के ही सबनेट्स बनाए जा सकते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में सबनेटिंग क्या है, एक बड़े कम हॉल को छोटे छोटे रूम्स के अंदर डिवाइड कर देना, प्रोसीजर सबनेटिंग, और जो रूम्स बनेंगे वो सबनेट्स बनेंगे। टेक्निकली कैसे सॉल्व होगा, कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन लिखें, क्रिएट 3 सबनेट also find out network id comma broadcast id comma first valid ib comma last valid ib and valid range of IP address in each subnet. Given class full NID is 199.10.20.0/24 जो हमारे डिस्कशन में चल रही है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस नंबर, अदरवाइज कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा ये समझ लें कि जो 199.10.20.0/24 है, ये बड़ा हॉल है जिसके अंदर .0 एनआईडी है, .255 बीआईडी है, यूजेबल जगह .1 से लेकर .254 मीटर तक है। अब कहा जा रहा है कि इसके 3 टुकड़े कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है जो 3 टुकड़े किए जाएंगे, जो 3 कमरे बनाए जाएंगे, हर एक कमरे की एनआईडी क्या होगी, यानी कहाँ से स्टार्टिंग होगी, कहाँ एंड होगा, और कितने मीटर उसके अंदर जगह एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में समझते भी नहीं और हाथ के हाथ करते हुए ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे। यहाँ 24 बिट की मास्किंग दे रखी है, तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, 255.255.255.0, ये लिख दिया हमने मास्क, और इसका नाम है डिफॉल्ट मास्क। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म के अंदर, ये 255 कन्वर्ट हो गया, फिर 255 ये कन्वर्ट हो गया, और फिर ये 0000000000। यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, यानी ये और ये किसका पोर्शन है, नेटवर्क का, इसको नेटवर्क फील्ड बोलें या नेटवर्क की बिट्स बोलें, जो भी आप कहना चाहते हैं, और इतना जो पोर्शन है ये है होस्ट का पोर्शन, या होस्ट की बिट्स बोलें या होस्ट का फील्ड बोलें, व्हाटएवर जो भी है,
अच्छा, आप एक चीज ध्यान दें कि कल आपको बताया गया था क्लास ए का मास होता है 255000, क्लास बी का 255000, क्लास सी ट्रिपल टाइम 255, क्लास में जीरो। अगर हम इसको बाइनरी में करें जैसे आप सामने किया गया है, तो क्लास ए में अगर जाते हैं तो पहले 8-bit 1 होती हैं लेफ्ट वाली, फिर राइट की 24-bit 0 हैं। क्लास बी में जाते हैं तो 8-bit और 8-bit 16-bit अप हैं, 16-bit 0 हैं। क्लास सी में जाते हैं 24-bit 1 है, फिर 0 है। तो देयर इज सम सीक्वेंस मास्किंग में, अगर हम देखें तो एक सीक्वेंस है मास्किंग जो शुरू हो रही है लेफ्ट टू राइट शुरू हो रही है, बाएं से दाएं की तरफ इंक्रीज कर रही है। अगर कोई बिट वन हो जाती है तो वो जीरो नहीं होती है। मास्किंग में 255 था, फिर 000 था। जब बी की तरफ गए तो ऐसा नहीं हुआ कि ए वाली 8 वाली बिट पहले जीरो हो गई हो, ऐसा मास्क कहीं नजर नहीं आएगा आपको। 255 0 255 0, नो इट्स इनवैलिड मास्क। मास्किंग में एक कंटिन्यूएशन है कि कंटिन्यूस बिट्स वन होंगी पहले, लगातार वन होने गए, फिर सारी जीरो होने गए। बट आई पी एड्रेस कहाँ शुरू होता है? राइट से। वो कहाँ मूव करता है? लेफ्ट की तरफ मूव करता है। मास्क भी 32 बिट का है बट वो बाएं से दाएं इंक्रीज करता है। आई पी एड्रेस भी 32 का है, वो दाएं से बाएं की तरफ बढ़ता है। अगर हम वन लिखते हैं तो क्या होता है? 0000001 एक्सट्रीम राइट वाली वन है। जब टू लिखते हैं तो क्या होता है? एक्सट्रीम राइट वाली जीरो हो जाती है और 10 आ जाता है आंसर। जबकि मास्क में ऐसा नहीं हो रहा है। मास्क में अगर लेफ्ट की बिट वन हो चुकी है कोई तो वो जीरो नहीं जाती। अब इसके बताने का मकसद ये कि नेटवर्क डिवाइस की थिंकिंग ये है कि जितनी बिट्स मास्किंग की फील्ड में, पहले आई पी एड्रेस की फील्ड होती है, नीचे किसकी होती है? मास्किंग की फील्ड होती है। जितनी बिट मास्किंग की फील्ड में लेफ्ट टू राइट वन है वो किसका पार्ट है? नेटवर्क का पार्ट है। ये नेटवर्क डिवाइस की थिंकिंग है। इसी थिंकिंग का बेनिफिट उठाया हमारे एक्सपर्ट है ना? कैसे? अब हमें बनाने हैं नंबर ऑफ सबनेट। ऐसे मान के चल लें कि आपने 256 मीटर जगह ली किस लिए? घर बनाने के लिए। और आपके पड़ोसी ने भी 256 मीटर जगह ली। आप अपने जगह में कमरा बनाना चाहते हो तो दीवार पड़ोसी घर में खड़ी करोगे या अपने घर में खड़ी करोगे? व्हाट इज योर स्पेस? तो हमारा जो स्पेस है दैट इज अवर स्पेस। ये हमारा स्पेस है, ये तो फिक्स है। तो हम क्या करेंगे कि अगर जो वन ऐसे मान के चल रहे हैं, ये कुछ दीवारें हैं, वन के वॉल है, अगर हम इसको खड़ा कर दें तो दो पार्टीशन हो जाएंगे, तीन पार्टीशन हो जाएंगे, चार पार्टीशन हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर थ्री के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है? तीन सबनेट्स। तो नंबर ऑफ सबनेट का फार्मूला होता है 2n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स बोरो फ्रॉम होस्ट, और होस्ट के अंदर क्या है? स्पेस है, जगह है, यानी कितनी बिट्स बोरो ली जाए कहां से? होस्ट पोर्शन से। तो यहां पर आप थोड़ी देख लीजिए, सबनेटिंग भी भूल जाइए, सिंपल सा फार्मूला याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ सबनेट जो है वो टर्म क्या x है, यानी x इक्वल टू 2n है। हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू कितनी चाहिए? 3। n की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है? 2। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है? 4। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। जहां हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए वहां पे बिट्स ऑन करना बंद कर दें। फार्मूला था x इक्वल टू 2n, x की वैल्यू कितनी चाहिए? 3। हमने n की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 2 आ गई, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। एक बिट और इंक्रीज करें ग्रेजुअली धीरे धीरे, 2 किया तो 4 हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। याद रहे कभी भी, चूंकि बाइनरी मैथमेटिक्स है, कभी भी ऑड नहीं बन सकता है। कमरे बनाओगे इवन ही बनेंगे ऑलवेज, 5 नहीं बन सकते, 7 नहीं बन सकते। तो यहां पर स्टेप नंबर 4 में आप आ जाएं, और ये जो स्टेप नंबर 2 था इसको दोबारा से हम राइट करें। 1 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
ऑन कर दिया जाए, 0000000। तो आपके पास जो नेटवर्क का पुराना बिट्स था वो तो इतना बिट से 24 बिट है, और अभी आपने दो बिट्स और लिए, वो किसके नाम पे आपने उधार लिए? सबनेट के नाम पे उधार लिए आपने। यानी इतनी जो बिट्स ली आपने दो, ये ली किसके लिए? लेट से सब नेटवर्क बिट। ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा होगा, वहां पे डायरेक्टली ही लिखा होगा, बट आपको समझाने के लिए। अब ये जो दो है ना इधर, इसको सर्किल कर लें और इसको यहाँ पे मार्क कर लें कि यहाँ अगर दो है तो दो आएगा, यहाँ पे अगर पांच है तो पांच आएगा, छह है तो छह आएगा। यानी जितनी बिट्स यहाँ पे हम बोरो करेंगे उतनी ही बिट्स यहाँ पे वन करेंगे। जहां जहां मार्किंग करता चल रहा हूँ वो मार्किंग करते चले, अदरवाइज आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी कौन सी वैल्यू कहाँ फिट की हमने। अब होश की वैल्यू कितनी बची? ये बची होश की वैल्यू ही बची है आपके पास, छह बिट बची है उसकी। तो जितनी एन की पावर है उतनी बिट्स ऑन कर ली होश पोर्शन से। अब होश की बिट्स जो जीरो है वो अब छह बच गई। अब पीसी में तो जाहिर सी बात है ऐसे डालोगे नहीं, वहां तो डेसिमल डॉट की फॉर्म में डालोगे। कम टू दी स्टेप नंबर फाइव। फोर तक सबका हो गया भाई, फोर तक सबका नोट हो गया। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर फाइव। स्टेप नंबर फाइव में जब हम पीसी में एड्रेस डालेंगे नेटवर्क डिवाइस में, वो डालेंगे डेसिमल डॉटेड में, तो 255 255 255 तक तो सेम है। दो बिट्स हमने ऑन किए तो 128 और 64 कितना हो गया 192। ये आपके पास आया सब नेट मास्क। स्टेप नंबर सिक्स में हम निकालेंगे ब्लॉक साइज, और ब्लॉक साइज बराबर होता है 256, क्योंकि हर एक ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होती है 256, उसमें से 192 घटा दें, ये कितना आ जाएगा 64। ये जो ब्लॉक साइज आया ये क्या आया कि आपके पास 256 मीटर जगह थी, आप तीन कमरे बनाना चाहते थे, तीन कमरे, बिल्डर ने मना कर दिया तीन कमरे नहीं बन सकते इसमें, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई स्केल नहीं है, चार ही बन सकते हैं इसके अंदर। तो जब चार कमरे बनाए गए तो हर एक कमरा कितने मीटर का आया? 64 मीटर का। तो एक तरीका तो ये है कि 256 से हम वॉट एवर दी वैल्यू इज कमिंग इसको घटा दें। एक तरीका तो ये कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही थी उस वैल्यू को यहाँ रख दें, ये निकल आएगा। एक तरीका तो है ये आपका ब्लॉक साइज निकालने का। अगर ये समझ में नहीं आता तो दूसरा मेथड ये है कि आपके पास टोटल जगह कितनी थी 256 मीटर, आप बनवाना चाहते हैं तीन कमरे, तीन नहीं बन सकते, कितने बन रहे? चार, तो चार से डिवाइड कर दो, ये भी 64 मीटर आ गया। अगर डिवाइड करना भी नहीं आता तो एक तीसरा मेथड और है, आपने कितनी बिट्स ऑन किए हैं फोर्थ ऑक्टेट के अंदर? 1 1 0 0 0 0 0। चूंकि इन दोनों मेथड के अंदर गलती होने के चांसेस हैं, माइनस में भी गलती आप कर सकते हो, डिवीजन में भी गलती कर सकते हो, बट अगर आपको इनकी पावर याद हो 1 2 4 8 16 32 और ये 64, जितनी बिट्स आपने ऑन की थी, जो आखिरी बिट ऑन की गई थी उसकी वैल्यू कितनी है? 64। सबसे प्यारा मेथड ये है, यहाँ गलती होनी नहीं है, ना घटाना है ना जोड़ना है ना कुछ करना है, जितनी बिट्स ऑन की एक्सट्रीम राइट जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हुई? पावर हुई इसकी। तो जो भी आपको अच्छा लगता हो तीनों में से आपकी मर्जी है। तो ये एक कमरे का साइज आ गया, एक कमरे में कितनी जगह टोटल है। नाउ स्टेप नंबर सेवन, वैलिड आईपी पर, आज हमने जो क्लास शुरू की थी तो निकाला था एनआईडी यानी बड़ा हॉल। जितनी बिट्स आप ऑन करेंगे, पहले ये ऑन की उसके बाद फिर ये ऑन की, जो आखिरी बिट ऑन की गई होगी उसकी पावर। हाँ जी, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी, यानी हर एक सबनेट आईडी के अंदर कितने वैलिड आईपी होंगे, फार्मूला वही है 2 की पावर n-2, बट n का मतलब चेंज हो गया है, n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट
बिट्स लेफ्ट, कितनी बिट्स बची हैं उधार देने के बाद, कितनी बची हैं? सिक्स. तो यहाँ पर कितनी आएगा? सिक्स माइनस टू, और ये कितना हो गया? 64 माइनस टू, ये कितना हो गया? 62. यानी चार कमरे बनेंगे और हर एक कमरे में 62 मीटर जगह होगी. अब यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहे. यहाँ पे हमने लगा दिया है सिंगल स्टार, यानी ये जो 6 आया है ना, इसके ऊपर भी हमने सिंगल स्टार लगा दिया ताकि आपको याद रहे कहाँ से कहाँ मैपिंग हम कर रहे हैं. ये अगर आप सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहेंगे सबनेटिंग में कोई एरर्स नहीं होनी है, विदाउट एरर सारा आंसर निकाल सकते हैं. बिकॉज इसके बाद आप लोग आंसर निकालेंगे, मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा आपसे. तो 6 कहाँ से आया? 6 यहाँ से आया. ये 6 क्यों बचा? बिकॉज 2 मीटर, 2 जो बिट्स थी वो आपने उधार दे दी किसको? नेटवर्क पोर्शन को. ये हो गया स्टेप नंबर 7. नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 8. यहाँ तक नोट कर लिया सबने? स्टेप नंबर 8. अब जो आपने चार कमरे बनाए हैं, पहला कमरा शुरू कहाँ से हो रहा है? ठीक है जगह 62 मीटर है, बट शुरुआत कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट आईडी, यानी पहला रूम कहाँ से शुरू हो रहा है? तो आपके पास जो जगह थी वो थी 199.10.20.0 से लेके 255 तक. यानी पहला जो शुरू होगा वो तो सड़क के किनारे से शुरू होगा ना, जीरो से, कोई तो जीरो शुरू होगा. जो सेकंड सबनेट शुरू होगा, सबनेट आईडी होगी, कहाँ से होगी? 0+64, चूंकि हर एक कमरे में 64 मीटर जगह है. थर्ड कहाँ से शुरू होगी? 64+64, 128 से शुरू होगी. और फोर्थ कहाँ से शुरू होगी? 128+64 कहाँ से? 192 से. अब याद रहे ये 64 कहाँ से आया. देखिए यहाँ पर आपने ये निकाला था 64, याद है? ये ब्लॉक साइज, इस पर हमने डबल स्टार लगा दिया. तो याद रहे कि यहाँ पर ब्लॉक साइज का एडिशन करना है. यहाँ पे आप लोग गलती करेंगे, आप वैलिड आईपी का एडिशन कर जाते हैं. यहाँ पे हर एक कमरे में 62 मीटर तो जगह है, लेकिन चार दीवारी भी तो बनेगी ना उसकी, तो एक एन आईडी और एक बी आईडी. तो ये आपने ब्लॉक साइज का एडिशन कर दिया, याद रहे. तो आपने 8 स्टेप निकाल लिए, यानी कैलकुलेशन पूरा का पूरा आपने कर लिया. बट अब इसको कौन से सबनेट के अंदर एनआईडी क्या होगी, बीआईडी क्या होगी, फर्स्ट वाली लास्ट वाली क्या होगा, यानी रेंज डिफाइन करने सारी. स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज. हर एक सबनेट आईडी की रेंज कहां से कहां तक लाई करती है. अब पहला जो सबनेट है वो कहां शुरू हो रहा है? 199.10.20 इतना फिक्स था, डॉट जीरो से. सेकंड सबनेट आईडी कहाँ शुरू हो रही है? सबसे पहले ऑलवेज आप एनआईडीज लिखें, आपकी लाइफ में कभी भी गलती नहीं होनी है नेटवर्क आईडी निकालने के लिए. सेकंड कहाँ शुरू हो रही है? 64 से. थर्ड कहाँ शुरू हो रही है? 199.10.20. कहाँ से? 128 से. फोर्थ कहाँ शुरू हो रही है? 199.10.20.192 से. ये जो आपने लिखी सारी की सारी, ये क्या लिखी है आपने? ये सब एन आई डीज लिखी हैं आपने. ये भी नेटवर्क आईडी है, ये भी नेटवर्क आईडी, यानी सब नेट आईडीज है. ये भी सब नेट आईडी है, सबनेट आईडी की रेंज चल रही है. ये भी नेटवर्क आईडी. आपने हर एक की जो वो बोलते ना सीमा बना दिए कि इसकी यहां से शुरू होगा, इसका यहां से शुरू होगा, इसका वहां शुरू होगा. अब सेकंड सबनेट कहां शुरू हो रहा है? 63 से. यानी अगला रूम शुरू होता है 64 से, तो आपका कहां खत्म हो जाएगा? 63 के ऊपर, यानी 199.10.20.63.
थर्ड शुरू हो रहा है 128 से, तो सेकंड खत्म हो जाएगा 199.10.20.127 के ऊपर। फोर्थ शुरू हो रहा है 192 से, तो ये एंड हो जाएगा 199.10.20.191 के ऊपर। और लास्ट वाला एंड होगा कहाँ पर जाकर, 255 पर, बिकॉज वो बिल्कुल एंड है। तो ये जो आपने लिखी है अभी, ये लिखी है आपने सबकी बी आई डीज, ये लास्ट वाले की बी आई डी, थर्ड वाले की बी आई डी 191, सेकंड वाले की बी आई डी है 127 लास्ट में, और फर्स्ट वाले की बी आई डी है 63। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के बीच में लाई करती है वैलिड आईपी की रे 199.10.20.1 इज द फर्स्ट वैलिड, यहाँ पर .62 इज द लास्ट वैलिड, सेकंड के अंदर 65 फर्स्ट वैलिड होगा, लास्ट वैलिड कितना होगा 126, थर्ड में 129 इज द फर्स्ट वैलिड, नेटवर्क आईडी से एक ज़्यादा, बी आईडी से एक कम, लास्ट वैलिड 193 फर्स्ट वैलिड और 254 लास्ट वैलिड। तो ये आपके पास फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, 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 और फर्स्ट वैलिड आईपी से लास्ट वैलिड आईपी तक जितने आईपी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलिड आईपी रेंज। ये वैलिड आईपी की रेंज, और जितनी भी वैलिड आईपी की रेंज में आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिकास्ट आईपी होते हैं, जो कि यूजेबल होते हैं मशीन के अंदर। ऐसी यहाँ पर वैलिड आईपी रेंज, ऐसी ये भी वैलिड आईपी रेंज, ऐसी ये भी यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज। जो अभी ये सबनेटिंग कराई गई है, इसमें किसी को डाउट हो, कोई स्टेप अंडरस्टैंड ना हो, प्लीज दोबारा बता दो। फिर हम इसका यूज करेंगे वहां पर जो आईपी एड्रेस लॉसेज हो रहे थे उनको बचाने के लिए। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 में किसी कोई कॉलम है जो डिस्प्ले किया जा रहा है बोर्ड पे? स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 में किसी कोई प्रॉब्लम जो अंडरस्टैंड ना हो रहा हो, बाद में मेरे समझ के नारे समझ में नहीं आया? आगे चलें। स्टेप नंबर 5, 6, 7 में कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई ऐसा पॉइंट जो अंडरस्टैंड ना हो रहा हो? प्रैक्टिस आपने करनी है, आप हम जस्ट कॉन्सेप्ट आपको देख सकते हैं। 1+1 2 होता है, उसमें 1 और जो और ऐड कर दें तो क्या होगा, वो आपने खुद देखने का कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं। 5, 6, 7 में कोई प्रॉब्लम? 8 स्टेप में कोई प्रॉब्लम? 9th स्टेप के अंदर? मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपसे पूछ लिया कि किसी कुछ पूछना तो नहीं। जब मैं पूछूंगा आपसे तो आप ये ना कहें कि सर ये स्टेप अंडरस्टैंड ना हुआ है, ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसको आप झुठला भी नहीं सकते हो। आधे लोग कल खत्म हो चुके हैं, आधे आज भी खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान देने वाला है सर, जितना वो देता है उतनी नसीब में आता है। जो पढ़ना चाहते हैं वो ढंग से पढ़ें, जिनको ना पढ़ना है वो क्विट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन किसी को पुट अप करना हो? अब मैं क्वेश्चन पुट अप करूँ? 64 एनआईडी कैसे? एनीबॉडी कैन प्रूफ इन द क्लास? क्वेश्चन ये है कि 199, 10, 20
199.10.20.0 तो देखने में नजर आ रहा है कि एनआईडी, ये तो हमने देखा था ना, बट 199.10.20.64 एनआईडी कैसे, 199.10.20.128 एनआईडी कैसे, नहीं कैसे प्रूफ करेंगे? सर जब हमने सबनेटिंग की तब हमने स्टार्टिंग की 2 बिट ऑन कर दी। अच्छा, और हमारी जो डेफिनेशन वो ये कहती है होस्ट की अगर सारी बिट जीरो हो तो नंबर एनआईडी होगा। कैसे आप प्रूफ करोगे 64 के अंदर होस्ट की एनआईडी जीरो? कैसे प्रूफ करोगे 27 के अंदर होस्ट की एनआईडी, होस्ट की जो बिट्स हैं वो बने? वो तो ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ ना। स्टेप नंबर 4 में हमने किया जी, वो तो सारी जीरो की है ना, बट यहाँ जीरो किधर नजर आ रही है 64 में? भाई यार 64 में जीरो किधर नजर आ रही है, देखें कैसे नजर आ रही है। देखें अगर हम यहां पर 199.10.20.64 लिखते हैं, यहां 65 और इधर 26 और इधर 127, तो अगर हम 64 को कन्वर्ट करें, बिकॉज इतना तो कांस्टेंट है ना, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, 199.10.20 इज कांस्टेंट। 64 को हम जब लिखते हैं तो हम कहते हैं ये पूरा नंबर एनआईडी हो चुका है, जैसे वहां जीरो लिखते हैं तो बोलते हैं एनआईडी हो चुका है। 01000000 65 जब लिखेंगे तो 01000001, और जब 127 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 01111111, और जब 126 लिखेंगे तो 01111110। अब आपने जो 2 बिट्स दे रखी थी किसको, सब नेटवर्क बिट्स के लिए, वो कौन सी हैं? वो ये वाली, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क बिट्स, जिसको आप सब नेटवर्क्स बोल रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। और होस्ट की जो बिट्स बची हैं राइट एंड नाउ, कितनी बिट्स हैं यहाँ पे? 6 और 6 की 6 क्या है? ये 0। तो जब भी होस्ट की बिट्स 0 होंगी नंबर एनआईडी, टोटल रिजल्टेंट 64 तो जरूर आ रहा है बट होस्ट की जो 6 बिट्स हैं वो 0 हैं। यहाँ पे होस्ट की 6 बिट्स के 1 है, दैट्स वाई बी आई डी। ऐसे ही अगर हम 128 में देखेंगे तो 128 के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा? 1000000 और 1000001, और जब 191 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1011111 और 1011110, उसमें भी ये 2 बिट्स के कांस्टेंट है। और अगर हम होस्ट की बिट्स वहां देखते हैं तो ये होस्ट की बिट्स आपके पास 6, ये सारी की सारी 0 और ये सारी की सारी 1, यानी दैट इज रेस्पेक्ट टू दिस ऑक्टेट यहाँ पे। तो जब भी होस्ट की सारी बिट 0 होंगी नंबर नेटवर्क आईडी, और जब 1 होंगी तो बी आईडी। जब तक आपका बाइनरी कन्वर्जन अच्छा नहीं है आपके लिए मुश्किल है सारी चीजों को करना, तो बाइनरी की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये चीज हमने कल भी प्रूफ करवाई थी, इट्स नॉट मैंडेटरी 0 ही एनआईडी होगा। कल हमने नंबर दिया था उसकी मास्किंग, जब डॉट लास्ट में डॉट 17/30 कर दी तो कितना आ गया था? 16 आ गया था। तो ये याद ना रखें 0 एनआईडी होगा, ये याद ना रखें 255 भी आईडी होगा। याद क्या रखना है? अगर होस्ट की सारी बिट 0 है तो नंबर एनआईडी, अगर होस्ट की सारी बिट 1 है तो बी आई डी। रिजल्टेंट कैन बी एनीथिंग। अब देखिए आपके पास 128 आ रहा है लेकिन एनआईडी, 64 आ रहा है लेकिन एनआईडी, 192 आ रहा है लेकिन एनआईडी। तो बिना बाइनरी कन्वर्जन के कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और अगर आप सिक्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पे और भी जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे फिल्टरिंग प्रोसेस आता है कि कौन से आईपी को फॉरवर्ड करने का है, कौन से को प्रिवेंट करने का है, वो सारा का इसी पर डिपेंड करेगा बाइनरी को।
अब जो आपने सबनेटिंग की है इसका यूज भी तो कुछ हो ना, देखते हैं क्या यूज होगा। जो डायग्राम आपने स्टार्टिंग में लिया था एक एनआईडी, चलिए आगे डिस्कशन करें, नोट हो गया। अब पुराने से वहीं आते हैं उस डायग्राम के ऊपर जहां से हमने स्टार्टिंग शुरू की थी आज। यहां पे हमने करना चाहा था कि एक ही नेटवर्क के अंदर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, जो कि पूरी नहीं हो पाई। तो हमने क्या किया, क्लास सी के 3 एनआईडी ले लिए। हमारा जो टास्क था वो तो पूरा हो गया, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेस बेकार जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा हमारा लग रहा है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस नेटवर्क को ले लिया 199.10.20.0 को, और जब टेक्निक आ गई सबनेटिंग, तो सबनेटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क, बट सेम मास्क के, सेम मास्क के यानी जो अभी आपने देखा है हर एक की मास्किंग कितनी होगी अगर हम देखें तो 19, ये आपके पास 8, 8, 16, 24 और कितनी हो गई, इसको कितना बोल सकते हैं स्लैश, हाउ मच, इसको हम बोल सकते हैं स्लैश 26। सबकी मास्किंग कितनी हो गई, 26 हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये सबनेटिंग की आपके सामने। सबनेटिंग करने के बाद एक हॉल के 4 कमरे बन गए, ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। अब घर पे जाके फिर 2 पीसी लें या कैफे पे जाके फिर 2 पीसी लें टेस्टिंग करने के लिए, क्या अगर हम एक पीसी यहाँ लेते हैं, हम देखना चाहते हैं कि सबनेटिंग का वाकई बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, और एक मशीन यहाँ पर लें, 2 मशीन लें। एक मशीन के अंदर अगर हम एड्रेस डालें 199.10.20.65/24 और दूसरी मशीन में एड्रेस डाला जाए 199.10.20.129/24, इसकी एन आई डी क्या आएगी, 199.10.20.0 और इसकी एन आई डी भी क्या है, 199.10.20.0, ये कम्युनिकेट करेंगे दोनों। बट अगर हम ऐसा कर दें, मास्किंग चेंज कर दें 26, आईपी वही है, यानी यहाँ पे माइनस सी लगा रखें, कंटिन्यूस लगातार पिंग हो रहा होगा, 10.20.129/26 कर दें। अब इसकी एन आई डी क्या हो गई, 199.10.20. डायग्राम आपके पीछे, इसकी एन आई डी कितनी हो गई, 64, और जिसका 120 ने, उसकी एन आई डी कितनी हो गई, 128। यानी ये आईपी अपनी अपनी जगह तो हैं, बट एक की एन आई डी 64 हो गई है और एक की एन आई डी 199.10.20.128 हो गई। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चल लें कि आप भी अपनी जगह बैठे हैं, मैं भी अपनी जगह बैठा हूँ, यहाँ पे एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी जाए साउंड प्रूफ, आप कितनी जोर से बोल रहे हैं, मैं कितनी जोर से बोलूँ, किसी की आवाज़ कहीं नहीं जानी, जो यहाँ होगा मेरे सामने वो बातचीत कर सकते हैं, ऐसे हो गया। तो सबनेटिंग करने का फायदा आपको घर जाती नजर आ जाएगा, पिंग करते अभी पिंग नहीं होते, बिकॉज एन आई डी डिफरेंट हो गई, जब भी एन आई डी डिफरेंट होगी वी नीड दी राउटर, बिना राउटर की दुकान। अब जब पीसी के अंदर एन आई डी अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली राउटर भी एक होस्ट ही है, वहाँ पे भी काम करेगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें हम कि राउटर में कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये नोट कर लिया। हाँ जी, पीसी पे आईपी एड्रेस डालेंगे भाई, पीसी पे आईपी एड्रेस डालेंगे तो मास्क क्या डालेंगे, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, मास्क तो 192 डालेंगे, हाँ लास्ट में आईपी एड्रेस वही रहेगा, पिंग चल रहा होगा पिंग बंद हो जाएगा, एन आई डिफरेंट हो गई ना, एन आई डी सेम होती तो पिंग हो रहा होता। आपके सामने एक 64 हो गया, एक 128 हो गया,
तो आईपी एड्रेस मीनिंगलेस है जब तक के मास्क ना हो, सब कुछ मास्किंग पर डिपेंड है। थोड़ी सी भी आपने अगर लापरवाही बरती तो हो सकता है जो मशीनें कम्युनिकेट कर रही थी कम्युनिकेट करना बंद कर दी, आपने कुछ का कुछ डाल दिया, आपने राउटर का गेटवे डालना कुछ था डाल दीजिए, तो सारी मशीनें जो कभी कम्युनिकेट कर रही थी वो बंद हो गई सारी की सारी, सिर्फ छोटा सा एक आईपी चेंज करने बिकॉज वो दूसरे के अंदर आ गया। कल आ जाएगा कि भाई अब हम देखें जो हमने सबनेटिंग की है इसका यूज इस डायग्राम के ऊपर कैसे करें। डायग्राम फिर दोबारा से हम वही लेते हैं, यानी ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम पे इसका कैसे यूज किया जाए। टॉपिक डालें डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क सिनेरियो विद सबनेट। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क सिनेरियो विद सबनेट। यानी आप जब सबनेटिंग आ गई है तो सबनेट के साथ डिजाइनिंग हम कर रहे हैं, सेम डायग्राम पर दोबारा से हम ले रहे हैं। ये आपके पास दिल्ली का रूट है और ये बॉम्बे का रूट है, इन दोनों के बीच में वैन की कनेक्टिविटी, ये लेट्स से सीरियल पोर्ट इसका S0 ये S1, यहाँ रिक्वायरमेंट्स कितनी है 2 IPs। ये आपके पास आ गया दिल्ली का लेंथ जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है 50 IPs की, और ये आपके पास आ गया बॉम्बे का लेंथ और यहां पर रिक्वायरमेंट है 25 IPs की। आपने जो अभी सबनेटिंग की है जो नंबर था मेन नंबर था वो नंबर था 199.10.20.0/24, ये मेन नंबर था जिसको आपने चार पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके जो चार पार्ट्स आपने किए उसका एक पार्ट आपने किया 199.10.20.0/26, दूसरा पार्ट आपने किया 199.10.20.64/26, तीसरा पार्ट 199.10.20.128/26 और फोर्थ पार्ट 199.10.20.192/26। ये चार पार्ट आपने किए। अब लेट्स से इस वाले पार्ट को इसको हम लगा देते हैं, इस वाले पार्ट को दिल्ली के लेंथ के ऊपर 199.10.20.0/26 यहाँ अप्लाई कर देते हैं, यानी डॉट वन से लेके और कहाँ तक हो गया .62 तक, इतने वाले आई पी एड्रेस हमने यहाँ अप्लाई कर दिए जबकि चाहिए 50। बट हमारे पास मजबूरी है कि जो सबनेटिंग हमने की है वो इक्वल साइज की हो सकती है। दूसरा वाला हमने अप्लाई कर दिया 199.10.20.64/26, थर्ड अप्लाई कर दिया 199.10.20.128/26, चाहिए कितने 25 हैं हमारे पास, कितने .129 से लेकर कहाँ तक 190 तक, क्योंकि 91 इज दी BID। ऐसी यहाँ पर .1 से लेकर डॉट कितना हो गया 128 तक जाएगा, यानी 126 तक,
127 भी आईडी हो गया, राइट। तो ये जो डायग्राम है अगर इसको कंपेयर करें पुराने डायग्राम से, तो हमने क्या सेव कर लिया, क्या पा लिया हमने, हमें मिल गया, हमने सेव कर लिया क्लास सी के दो एनआईडी, तो वो सेव कर लिए, प्लस 199.10.20.192/26 ये सेव हो गया, इतना हमने सेव कर लिया। कैसे, पिछला सिनेरियो देखिए, एक नेटवर्क यहाँ यूज हो रहा था, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, यानी हम अब इसका यूज नहीं कर रहे, हम इसका यूज नहीं कर रहे, सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं। और इसके जो हमने चार डिवीजन किए हैं, उन चार डिवीजन में से भी तीन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, इसका, ये हमारे यूज में नहीं है, यानी हमें इसको परचेज करने की जरूरत ही नहीं है अगर हमने 1985 के बाद ये डिजाइनिंग की थी। तो यहाँ पे हमें पेमेंट देना पड़ रहा है केवल इसका, पेमेंट देना पड़ रहा है केवल इसका, पेमेंट देना पड़ रहा है केवल इसका, बिकॉज हमने तीन ही तो एनआईडी परचेज की, यानी ये वर्ल्ड में कोई और कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर ले। तो हमने सेव कर लिए क्लास सी के दो एनआईडी प्लस ये आईपी एड्रेस, और इसके रेस्पेक्ट में ये तो सेव हुए क्या, आईपी भी सेव हो गए और आपका पैसा भी सेव हो गया, यानी दोनों चीजें आपने सेव कर ली, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। बट इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक है, थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब भी आती है वो डीग्रेड नहीं होती, अपग्रेड ही होती है ऑलवेज आके। हैं ये वाला नीचे वाला, वी आर नॉट यूजिंग एनीवेयर, कहाँ यूज कर रहे हैं हम, यूज ही नहीं कर रहे ना ये वाला, हम तो तीन ही यूज कर रहे हैं। कहाँ पे, अच्छा 65 से होगा, सॉरी ये 65 से होगा, 65 क्योंकि 64 है, 65 से शुरू होगा, राइट जी। कोई क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा हो, जो पूछ ना पा रहे हो, मैं परमिशन दे रहा हूँ, यू कैन आस्क। तो वही तो पीछे लेके गए थे अभी यार, इस एनआईडी का हम यूज नहीं कर रहे और इसका यूज नहीं कर रहे, यानी वी आर नॉट परचेसिंग फ्रॉम द आईएसपी। सर जैसे दो सीरियल पोर्ट है, मैं अकेला हूं तो एक ही का जवाब एक बार दे सकता हूं, मुझे पूरा नहीं हुआ। जब सबनेटिंग आ रही है तो वी आर नॉट परचेसिंग दिस वन, नॉट परचेसिंग दिस वन, हम क्या कर रहे हैं, एक ही को ले रहे हैं और एक भी पूरा नहीं ले रहे, हम एक के भी पार्ट करके ले रहे हैं, वो तीन ही पार्ट यूज कर रहे हैं, चौथा वो भी यूज नहीं कर रहे। तो दो ये सेव हो गए, एक ही और एक ही, और एक उसका सेव हो गया। जी बोलें, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। सर जैसे राउटर पे हमने, हमारे दो पोर्ट हैं सीएल के, तो हमारे पास दोनों के लिए हमें नहीं लेनी, हर एक की एनआईडी डिफरेंट होगी, इसकी एनआईडी डिफरेंट, इसकी एनआईडी कितनी होगी 64 और इसकी एनआईडी कितनी हो रही 0.0, अगर सेम कर दें तो फिर ये बोलना शुरू कर देगा। और हम क्या करें कि 50 तो यहाँ यूज कर लें और 51 फिर यहाँ यूज कर लें, तो फिर वो इसी एनआईडी में आ जाएगा। राउटर के जितने पोर्ट्स होंगे हर एक के ऊपर डिफरेंट एनआईडी, जब आप प्रैक्टिकल करोगे गलती कर बैठोगे, राउटर मैसेज दे रहा होगा, मैं लिखा था कि मेरी एनआईडी ओवरलैप आप करवा रहे हो, गलत कर रहे हो। तो जब भी कॉन्फ्यूजन राउटर में करनी है उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए करना है। जिन लोगों ने डायग्राम नोट कर लिया उनसे क्वेश्चन ये है कि इस डायग्राम में कोई ड्रॉबैक नजर आती है क्या, सबनेटिंग ने आने के बाद आपके पैसे ही बचा दिए आपको नजर आ रहा है, और आने वाले जनरेशन के लिए आईपी एड्रेस ही बचा के रख दिए, बट इस डायग्राम में क्या अभी कोई गलती है, अभी भी वेस्टेज हो रहे हैं। रीजन इज दैट कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी सबनेटिंग आई थी उसके पास ऐसी टेक्निक नहीं है कि जितने आपको चाहिए उतने मिल जाए, उसके पास अपनी टेक्निक है, इक्वल साइज में डिवीजन हो सकता है जो भी आप चाहते हो। तो जितना बड़ा आपने ब्लॉक लिया ताकि ये आ जाए, तो अब इसके हिसाब से अगर आपने की तो इसके हिसाब से ही सारे सबनेट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स हैं जिसको हम रिकवर करेंगे बाद में, बट उससे पहले आपका छोटा सा टेस्ट आप लोगों का, ये नोट हो गया सब, चले आगे।
सबका नोट हो गया भाई। जी क्या हो बोले भाई, चले जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो आपने भी क्लास में करना है, (1:99:10.20.0/24) गिवन एन आईडिया जो हमने अभी की है, बट आपने कैलकुलेट करना है। हमने किया था 3 सबनेट के लिए, आपने कैलकुलेट करना है फॉर 13 सबनेट के लिए। फिर उसकी आपने एनआईडी पता करनी है, उसकी आपने बीआईडी पता करनी है, उसका आपने फर्स्ट एंड लास्ट वैलिड आईपी पता करना है, यानी जो हमने सारी चीजें निकाली हैं। फिर आपने वैलिड आईपी की रेंज पता करनी है, यानी जितनी चीजें हमने निकालनी है वो आपने सब निकालनी है। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा बट आप कैलकुलेट करेंगे फॉर 52 सबनेट के लिए, और इसकी भी एनआईडी बीआईडी फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड ये आपने निकाला है। ये अभी आप मुझे निकाल कर दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम अगला सेशन शुरू करेंगे।